संत कबीर नगर जनपद में एक व्यक्ति अपना कई नाम बदलकर विदेश फरार हो जाता है और पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कागजी कोरम को पूरा करके अपने अपने हाथ खड़े कर लिए। हालांकि अब अधिकारी कार्रवाई की बात जरूर कर रहे हैं। एक तरफ जहां निर्वाचन कार्ड, राशन कार्ड और परिवार रजिस्टर के प्रतिलिपि को सरकारी अभिलेखों में मान्यता दी गई है, तो वहीं संत कबीर नगर जनपद के महुली थाना क्षेत्र के कलान गांव का निवासी अभिषेक ने स्थानीय अधिकारियों से मिलीभगत कर परिवार रजिस्टर, राशन कार्ड और वोटर आईडी में अलग अलग नाम अंकित करवाकर विदेश में फरार है, जबकि विदेश फरार अभिषेक पर स्थानीय थाना महुली में आपराधिक मामला भी दर्ज है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की घोर लापरवाही के चलते आपराधिक मामला दर्ज होने के बावजूद अधिकारियों ने आखिरकार कागजों में कैसे एक ही व्यक्ति का कई नाम अंकित कर दिया गया। कुल मिलाकर यूं कह दिया जाए तो जितने दस्तावेज उतने नाम। दरअसल पूरा मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि विदेश फरार अभिषेक पर पाटीदारों से पूर्व का जमीनी विवाद है, जिस पर अभिषेक के पाटीदार हरिश्चंद्र ने स्थानीय थाना महुली में मुकदमा पंजीकृत कराया। इस बात की भनक अभिषेक को हो गई तो उसने आनन फानन में सरकारी दस्तावेजों में अपने नाम को अधिकारियों से मिली भगत कर चेंज करवा डाला और फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवा कर विदेश फरार हो लिया। वहीं पुलिस की जांच रिपोर्ट ने भी यह साबित कर दिया है कि अभियुक्त अभिषेक नाम बदलकर विदेश में है। अब हरिशन जिले के आला अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी है कि रटा रटाया जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ दे रहे हैं। पूरे मामले पर जिले के अपर पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने कहा है कि मामले की जांच LIO कर रही है। शिकायतकर्ता की शिकायत को गंभीरता से लिया गया है। LIO की रिपोर्ट में मामला यदि सत्य पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वही परिवार रजिस्टर में कई गड़बड़ झाले को लेकर जिले के DPRO साहब भी गंभीर हैं और जांच कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वही परिवार रजिस्टर में कोई गड़बड़ झाले को लेकर जिले के DPRO साहब भी गंभीर हैं और जांच कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों की कार्रवाई पर अब देखने वाली बात यह होगी कि विदेश में फरार अभियुक्त आखिरकार सलाखों के पीछे कब जाएगा।